है ना, आमतौर पर क्या होता है इंग्लिश सेंटेंसेस में, आप जब किसी से आप हाल पूछते हैं, आप पे कोई हाल पूछता है तो आप कहते हैं हाउ आर यू, तो आमतौर पर आपको कह देते हैं आई एम फाइन या आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू। आप तब क्या कहें जब आपकी तबीयत ठीक ना हो या आप जब निगेटिव हालत में हो, तो हाउ आर यू का मतलब क्या होता है, व्हाट टू से व्हेन समवन आस्क, जब आपसे कोई कहे तो आप क्या कहें, हाउ आर यू यानी आप कैसे हो। तो इसका पहला जवाब बाबू क्या होता है आमतौर पर जो इस्तेमाल करते हैं, आई एम फाइन, कि मैं ठीक हूँ। अब अगला क्या होता है, हालांकि ये चीज बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं है, क्योंकि अगर आपका किसी ने हाल पूछा है तो आपका भी फर्ज है कि आप उसका हाल पूछें, ऐसा नहीं ना आप बना रहा हूँ क्योंकि भैया का हाल है वो ठीक है बस ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब मुंह ना लगाओ। तो अगर आप नहीं पूछोगे तो आने वाले वक्त में दोबारा आपको बुलाएगा भी नहीं, ठीक है, तो ज्यादा एटीट्यूड में ना हो कि हमारे सवाल पूछे थे पलट के कहे देखो, ठीक है। तो अगला कहा आई एम फाइन यानी मैं ठीक हूँ, अगला का आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू, कि मैं ठीक हूँ आप अपने बारे में बताइए। अगला कह सकते हैं आई एम गुड यू जस्ट, मैं ठीक हूँ तुम बताओ। ये इस्तेमाल तब तब करो बाबू जब अपने से आप छोटो से बात करो, आई एम गुड यू जस्ट, मैं ठीक हूँ तुम बताओ, ठीक है। अब आमतौर पर क्या होता है, अब इतना तो तब आप इस्तेमाल करते हैं जब आपकी हालत कैसी होती है, अच्छी होती है। अब आपकी हालत अगर नहीं ठीक है तब क्या कह सकते हैं, उसके बदले देखते हैं, मैं अच्छी हालत में नहीं हूँ, ठीक है। आमतौर पर क्या होता है, कभी ठीक है कभी नहीं ठीक है, तो हर जगह ऐसा तो नहीं कि मतलब बीमार पर आईसीयू लेटर रखा हुआ आई एम फाइन, कि मैं ठीक हूँ व्हाट अबाउट यू, तुम कैसे हो, ठीक है। तो अगला क्या कह सकते हैं, कि हाउ आर यू यानी आपसे कोई पूछे आप ना ठीक हो तब क्या कहेंगे, आई एम नॉट फाइन, फाइन मतलब ठीक, नॉट मतलब नहीं, नहीं। तो कह रहे आई एम नॉट फाइन, मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा मेरा दोस्त नहीं ठीक है, नॉट फाइन, ठीक है। आई एम नॉट फीलिंग वेल, कि मैं ठीक नहीं हूँ या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बात लगभग एक, फील मतलब महसूस करना, वेल मतलब ठीक, आई एम नॉट फीलिंग वेल यानी मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। अगला है नॉट गुड यानी मैं ठीक नहीं हूँ, अगला नॉट सो गुड, अब सो का मतलब बाबू यहाँ पर है उतना, नॉट सो गुड उतना ठीक नहीं हूँ, ठीक है। तो नॉट टू गुड यानी बहुत ज्यादा मैं ठीक नहीं हूँ, अगला कह सकते नॉट वेल यानी ठीक नहीं हूँ, अगला नॉट सो वेल उतना ठीक मैं नहीं हूँ यानी 100% आप रिकवर नहीं है, ठीक। अगला है नॉट वेरी वेल यानी बहुत ज्यादा ठीक मैं नहीं हूँ, ये सारे कंडीशन तब होते हैं जब आपकी तबीयत ना ठीक, ठीक है। जैसे मैंने कहा नॉट फाइन यानी नहीं ठीक हूँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल मुझे ठीक नहीं लग रहा है, नॉट गुड मैं नहीं ठीक हूँ, नॉट सो गुड मैं उतना ठीक नहीं हूँ, नॉट टू गुड मैं बहुत ज्यादा ठीक नहीं हूँ, नॉट वेल नहीं ठीक हूँ, नॉट सो वेल उतना ठीक नहीं हूँ, नॉट वेरी वेल बहुत ज्यादा मैं ठीक, वेरी मतलब बहुत ज्यादा, वेरी मतलब बहुत ज्यादा ठीक मैं नहीं हूँ, नॉट ग्रेट इसका भी इस्तेमाल करता है, वैसे ग्रेट मतलब महान होता है, लेकिन यहाँ ग्रेट का मतलब क्या होगा, ठीक है, नॉट ग्रेट बहुत ज्यादा मैं उतना ज्यादा अच्छा नहीं, नॉट सो ग्रेट नॉट ग्रेट मतलब नहीं ठीक हूँ, नॉट सो ग्रेट मतलब मैं उतना ठीक नहीं हूँ, आई हैव सीन बेटर डेज, और यहाँ आप कह सकते हैं हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा है, आई हैव सीन बेटर डेज, बेटर मतलब बेहतर डेज मतलब आई हैव सीन बेटर डेज, मैंने बेहतर दिन भी देखे हैं, यानी मान लो जैसे बाढ़ आई है तो अगर बात क्या कहूँ कि भैया कैसे हो, तो अगर आई हैव सीन बेटर डेज मैंने अच्छे दिन भी अपनी जिंदगी में देखे हैं, मतलब प्रेजेंट टाइम में जो दिन आपका है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आई हैव सीन बेटर डेज यानी मैंने अच्छे दिन भी देखे हैं, यानी आप इस समय बेहतर हालत में नहीं है। बहुत अगर डिफरेंट बताना है तो अगर आपको जैसे किसी को कसमकस में डालना है, कोई पूछे हाउ आर यू, तो कह दो आई हैव सीन बेटर डेज मैंने अच्छे दिन देखे, यानी आजकल मेरे दिन अच्छे नहीं है, मेरे जो अच्छे दिन थे वो बीत गए हैं, बाकी अच्छे दिन मोदी जी लाने वाले हैं, ठीक है। इन केस ऑफ रिकवरी, अच्छा कभी कभी क्या होता है आपकी हालत ठीक हो जाती है, तीन सिचुएशंस बाबू होते हैं, या तो आप ठीक होते हैं तो आई एम फीलिंग वेल, या आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू, अगर आप नहीं ठीक है तो आई एम नॉट फीलिंग वेल। कभी कभी क्या होता है आप बीमार थे धीरे धीरे आप ठीक हो रहे हो, तब इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, आई एम फीलिंग बेटर यानी मुझे अब बेहतर महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग गुड मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, ठीक है। आई एम फीलिंग बेटर देन यस्टरडे मुझे कल से थोड़ा सा आज आराम है, ठीक है। आई एम ऑल राइट यानी बहुत ज्यादा मैं ठीक हूँ। तो अगर रिकवरी की हालत में इन चीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अच्छा जैसे आमतौर पर क्या होता है बाबू, आप जब किसी की हालत पूछते हैं तो हाउ आर यू कहते हैं, लेकिन जब भी आप किसी पेशेंट से, पेशेंट मतलब मरीज, तो पेशेंट की जब हालत पूछते हैं तो वहां पर हाउ आर यू की जगह पर क्या कह सकते हैं, हाउ आर यू नाउ। मान लो सुबह गए तो थोड़ा सा बेहतर था, दोपहर गए शाम को गए तो हालत कुछ बदलेगी, ठीक है, क्योंकि बीमार है रिकवरी हो गया तो ज्यादा कटन जाएगी, ठीक है। तो पेशेंट से जब भी हालत पूछे तो क्या हाउ आर यू नाउ, कि अब आपकी तबीयत कैसी है, तो
पेशेंट कुछ भी कह सकते हैं, ये कह सकता है आई एम फीलिंग बेटर देन यस्टरडे, मुझे कल से मुझे बहुत ज्यादा आराम है, या कहते आई एम फीलिंग गुड यानी मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, ठीक है, या मान लो नहीं सही है तो ऐसा कह सकता है आई एम नॉट सो गुड, यानी उतना मैं अच्छा नहीं हूं जितना मुझे होना चाहिए। तो सिर्फ क्या है इसमें हमने ये देखा कि हाउ आर यू सिर्फ आई एम फाइन ही नहीं कहते, या हाउ आर यू में सिर्फ आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू ही नहीं कहते। तीन सिचुएशंस होती हैं, अगर आप ठीक हैं तो कह रहे हैं आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू, और अगर आप अपने से छोटे से बात करते हैं तो आई एम गुड यू कैन गेट, ठीक हो तुम बताओ, या अगर आपकी हालत अच्छी नहीं है तो मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा ठीक नहीं हूँ, मैं नहीं अच्छा हूँ, मैं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं नहीं ठीक हूँ, मैं उतना ठीक नहीं हूँ, बहुत ज्यादा ठीक मैं नहीं हूँ, इसमें कह सकते हैं नहीं बहुत ज्यादा नॉट सो ग्रेट, मतलब बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, आई हैव सीन बेटर डेज, यानी इससे भी अच्छे दिन मैंने देखे, यानी प्रेजेंट टाइम में मेरे दिन खराब है। रिकवरी कंडीशन में क्या कहेंगे, मैं बेहतर मुझे लग रहा है, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, कल से मेरी तबीयत आज अच्छी है, मैं सब कुछ ठीक हूँ, और किसी भी मरीज की हालत पूछेंगे तो क्या कहेंगे हाउ आर यू नाउ, हाउ आर यू उससे नहीं कहेंगे, ठीक, बेहतर ये कि पूछें अब आपकी तबीयत कैसी है, तो जैसे भी आपकी तबीयत को आप बता देंगे, मान लीजिए आप बीमार हैं और बेड पे पड़े हुए हैं, मैं आपसे कहूं हाउ आर यू तो क्या कहेंगे, अगर मान लो एकदम से मरीज के कगार पर, अच्छा जैसे कहते नहीं है कभी कभी हम कहते हैं कि कभी कभी हम कहते हैं कि मैं मरने वाला हूं, जैसे आपने किसी पेशेंट से कहा, ठीक है हाउ आर यू नाउ, कि अब आपकी तबीयत कैसी है, तो बहुत जने होते हैं अगर कहूं 90 डिग्री बुखार चढ़ जाते हैं, हालांकि 98.6 जो है नॉर्मल टेम्परेचर हो, यस तो भाई अब मरीज अब अपना बच गए दुआ करो, ठीक है ईमानदारी वो बैठ कर नीचे वालों को ला कर अब बेटा वो कमरे का हो, और ज्यादातर जब होते जब अकेले रहो तो जुलम करो तो फिर टंकी ना खराब ना हो, ठीक है, तो हाउ आर यू नाउ, अच्छा कभी कभी कहते हैं हम मैं मरने वाला हूं, तो आई एम अबाउट टू डाई, मैं मरने वाला हूं, हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, बस सिर्फ नोट है कि आई एम अबाउट टू डाई, मैं मरने वाला हूं, कह रहे मैं मर जाऊंगा, आई विल डाई, ठीक है, तो ये कह सकते हैं आप, ठीक है, या कह सकते हैं आई एम अबाउट, अबाउट मतलब होता है बारे में, लेकिन यहाँ पर अबाउट का मतलब क्या होगा लगभग, ठीक है, जैसे कहें कि बेल लगने वाली है, या कहते हैं पीरियड खत्म होने वाला है, तो ये कहेंगे पीरियड इज अबाउट टू एंड नहीं कहेंगे क्योंकि अगला आएगा उसके बाद, ये कह सकते हैं पीरियड इज अबाउट टू ओवर, तो इसे इसमें कहते हैं आई एम अबाउट टू डाई यानी मैं मरने वाला हूँ, या कह सकते हैं मर जाऊंगा तो आई विल डाई,